थाना क्षेत्र के सूर्यदेवनगर में रहने वाले एडवोकेट डीएल पंडागरे के बीते दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले रजिस्टर पंजीयन कार्यालय में एडवोकेट का विवाद पंजीबद्ध हुआ था। बीती शाम एडवोकेट डीएल पंडागरे की अचानक देर शाम तबीयत बिगड़ने लगी। घबराकर परिजनों ने गंभीर हालत में उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक डीएल पंडागरे कलेक्टर कार्यालय के सब रजिस्टर पंजीयन कार्यालय में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान एक सप्ताह पहले किसी मकान की रजिस्ट्री पंजीयन को लेकर शिकवा शिकायत के बाद चर्चा में आए थे। सूत्रों के मुताबिक एक सप्ताह पहले जन सुनवाई में शिकायत भी की गई। परिजनों का आरोप है कि इसी के दौरान काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। हालांकि बीएल एक युवा एडवोकेट थे जो कि मूलतः बैतूल के रहने वाले हैं और काफी समय से इंदौर में रहकर प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं मामले में वकील साथियों का यह कहना है कि यह आगे वाले समय में वकीलों को लेकर शिकायत दबाव के चलते प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया है। प्रमोद भाई, आज एक आपके साथी एक रजिस्ट्रार में कुछ विवाद हुआ था जन सुनवाई में और फिर आज उसकी मौत हो गई, क्या है पूरा मामला, क्या नाम है मृतक का? पंडागरे वकील साहब हमारे मंगलवार पिछली जनसुनवाई को मध्य प्रदेश सब रजिस्ट्रार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दीक्षित की अगुवाई में इंदौर के सारे सब रजिस्ट्रार इकट्ठे होकर के कलेक्टर को शिकायत दी थी। शिकायत में जांच हो रही थी, इसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि शिकायत किसी भी वकील के खिलाफ आधार ही नहीं, और हमने काउंटर अटैक भी किया था। हमारे वकील बहुत साथी बहुत शालीन और सुलझे हुए व्यक्ति थे, इस तनाव को वो झेल नहीं पाए क्योंकि शुगर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कल यूनिक हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था और रात्रि को उनका निधन हो गया। निधन को अविश्वासपूर्ण मानते हुए उनके साथ के साथी वकील प्रकाश वर्मा और अन्य उन्हें चौथराम भी ले गए। चौथराम से भी हमें यहां पे लाया जा रहा है, डॉक्टरों के निर्देश पर पोस्टमार्टम होगा। कुल मिलाकर के एक आधारहीन शिकायत में एक वकील को तनावपूर्ण स्थिति में ला दिया और उस तनावपूर्ण स्थिति ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ई रजिस्ट्रेशन के सिस्टम में इसे ही हम शुरू से विरोध करते रहे कि इसमें वकील की भूमिका समाप्त कर दी जाएगी और अधिकारी दबाव और प्रभाव का खेल खेलेंगे, और वही हुआ। किस तरह का दबाव था इन पर, क्या नाम क्या मृतक का? दबाव यह था कि वकील पर अगर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे सब रजिस्ट्रार, तो प्रशासनिक रूप से वो सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई करते, और जो सर्विस प्रोवाइडर ने ये दस्तावेज अपनी आईडी से वकील साहब के निर्देश पर बनाया था वो भी भयातुर थे, तो ऐसा मन में आ जाता है कि मेरे कारण किसी अन्य को सजा, गलत व्यक्ति को सजा मिल रही है, तो मन में ग्लानि का भाव आता है और वही ग्लानि का भाव हमारे वकील साथी के मन में घर कर गया था, जबकि अभी भी सर्विस प्रोवाइडर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये कार्रवाई रुके। क्या उसको लेकर चरण आंदोलन करेंगे आप लोग? अभी संबंध में इंदौर अभिभाषक संघ से चर्चा की जाएगी और आंदोलन की राह तो पकड़ेंगे, हमने पहले भी एक महीने तक राह करी थी, और वकीलों की भूमिका अब इसमें पूर्ण वैधानिक स्वरूप की हो इस बात के लिए हमारा चरण चलेगा। कितने साल उम्र थी, क्या नाम था इनका? 35 साल के लगभग उम्र थी, नौजवान थे, प्रतिभाशाली थे, जज की परीक्षा में पहले चरण में पास हो चुके थे, दूसरे में असफलता हाथ लगी थी कुछ एक आध नंबर से। बैतूल के निवासी थे, प्रकाश वर्मा के साथ करीब 15 साल से रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या नाम है इनका? बी एल पंडागरे। आपका नाम? और प्रमोद कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष पंजीयन कार्यालय अभिभाषक व्यवस्था समिति।